लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे रिक्शा चलाने वालों की नजर उतारने के लिए आज ये नारियल मैं तोड़ रही हूँ। जय दुर्गा। ए बाबू, रिक्शा चाहिए? हनुमान मंदिर ले जाएगी? हाँ बाबू, क्यों नहीं, कौन सी क्लास? टास बोले तो? हाँ, टॉप लगा कर बैठा तो फर्स्ट क्लास, टॉप निकाल कर बैठा तो सेकंड क्लास, नीचे बैठा तो थर्ड क्लास, पीछे धकेला तो आधा रेट। चाहिए तो इसमें थोड़ा कंसेशन भी है। वो कैसे? मैं गाड़ी चलाती चलाती रो के बिना जो बोलती हूँ तुमको हाँ हाँ बोलना है, न चलना, न देखना, न हिलना, न थक के बिना भागना और इधर उधर नहीं देखना। और मेरी बात अगर पसंद नहीं आए तो रिक्शा में डब्बा है जिसमें रुई है, चाहे तो रुई का इस्तेमाल करो, लेकिन कान में उंगली डालने वालों से मुझे नफरत है। रुई के लिए एक रुपया एक्स्ट्रा। अगर पैदल गया तो रास्ता उस तरफ है, बेकारी। अरे वाह, अरे ज्योतिष जी, आपके तोते को मेरा नाम ही मालूम है। अरे नाम क्या, तुम्हारा पूरा इतिहास बताएगा, तुम्हारे आने वाले पति के बारे में सही सही बताने वाला चतुर सुजान तोता है ये बोनिका। अच्छा, ये लो पैसा। देखो, अगर तुम्हारा ये तोता झूठ बोला ना तो ये तोते को छोड़ दूंगी, तुम्हें पकड़ लूंगी और इस पिंजरे में डालकर बंद कर दूंगी। ठीक है ठीक है। मैंने रमा बहरा भविष्य बताओ, कांची कामाक्षी, मदुरा मीनाक्षी, बैजवर कनक दुर्गी, इन सब लक्ष्मी के माध्यम से लक्ष्मी का भविष्य बताओ। मनोरमा उठाओ उठाओ उठाओ, अब अंदर जाओ। आहा, श्री कृष्ण भगवान साक्षात आ रहा है, तेरा पति श्री गोकुल कृष्ण भस्मा गोपाल साक्षात वो बाल कृष्ण, तुमसे शादी करने वाला वही कृष्ण है। जाओ लक्ष्मी जाओ, जल्दी इनसे जाकर मिलो, ये वही गोकुल कृष्ण है, तुमसे शादी करने वाला वो बाल कृष्ण है। मैं तो मर गई। अरे हाँ लक्ष्मी, जा जल्दी जा, जाकर पकड़ ले, वही तेरा होने वाला पति है। अरे सोचो रही है, जा 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 जा, पकड़ ले पकड़। कौन हो तुम? ये हाथ क्या कहा? तेरा है। लगता है लड़की कुछ पागल है। ए भाई, रिक्शा इधर लाओ। इस इलाके का कोई भी रिक्शा वाला मेरी सवारी लेने की जुर्रत करेगा तो खैर नहीं, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी, समझे? माफ करना साहब, इससे पंगा क्यों लेना, मेरा रिक्शा खराब है। बाबू, वो लड़की अच्छी है पर कुछ ज्यादा ही बोलती है, दिल से साफ है, उसी की रिक्शे में। हाँ, मेरा दिल सोना है, ले लो ना बाबू। चलो चलो ना। कृष्ण भगवान बोलते नहीं है क्या? वो कौन है? और कौन, तू ही? पीताम्बरी, मेरे कृष्ण परमात्मा, तेरा नाम कृष्ण ही है ना? ठीक है। झूठ बोला, तेरा नाम कृष्ण भगवान नहीं है। मतलब? मुझे मालूम है, मेरी गाड़ी पर बैठकर कोई झूठ बोलता है तो मेरी गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक खुद लग जाती है। ऐसा पागलपन भी है? ठीक है, मेरा नाम अर्जुन है। तेरी शादी हो गई क्या? अगर हाँ कहूँ तो रिक्शा फिर से रुक जाएगा। फिर झूठ बोला, गाड़ी रुक गई, तेरी शादी नहीं हुई। तुम कैसे जानती हो? शादी हुए मर्दों के चेहरे पर इतनी चमक धमक नहीं होती। बोलो तुम कौन हो, किसके लिए आए हो? पुलिस ऑफिसर। अरे रिक्शा फिर से रुक गया, मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? नहीं बाबू, आपको जहाँ जाना है वो जगह आ गई, मैंने ही गाड़ी रोक दी। मैंने तो नहीं बताया कि कहाँ उतरना है। उसकी जरूरत नहीं है, इस गांव में कोई तहसीलदार आए, कलेक्टर आए या तुम्हारे जैसे कोई कृष्ण भगवान आए तो पहले दर्शन करने वाली जगह यही है। ये हमारे गांव के बड़े आदमी भवानी जी का भवन है, मैं यही रुकती हूँ, तुम अंदर जाके आओ। अबे ओ राइटर, पुलिस स्टेशन की राइटर और सिनेमा राइटर के बीच में फर्क क्या है बोल? सिनेमा राइटर एक ही डायलॉग को बार बार बदल के लिखते हैं, लेकिन आप जो कहेंगे वही मैं एक बार लिखूंगा, लेकिन मैं कभी बदलूंगा नहीं। अबे ओ हेड,
हाई कोर्ट ग्रेट है या मेरा क्रिकेट कोर्ट ग्रेट है बोल। हाई कोर्ट में क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट कोर्ट में जजमेंट दे सकते हैं, आपका कोर्ट ही ग्रेट है सर। ऐसा ही वेंकट, इस वक्त इस बैट से तुम्हारे सर पे मार मार कर तुम्हें मार दिया समझो, तो अदालत मुझे फांसी पर चढ़ाएगी क्या? आज तक आप पर केस करने वाला कोई पैदा हुआ या जिंदा बचा है क्या? क्यों बे राइटर, तेरा लिखा अगर सब कुछ सच होने वाला है तो तेरी तकदीर में फिर से लिख दूंगा, देखेगा? क्यों बे हेड, किस कोर्ट में क्या होने वाला है जाने बिना अगर दूसरों को हेड बनाने की कोशिश की तो तेरा हेड उड़ने लगेगा। ओके विजेंद्र, गलती करने वाले को सजा दिलाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ ना, उसे तो क्या उसके बाप को पकड़ने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, समझ गए? तीनों स्टंप सूट गए ना, अब की बार अगर बाल में फेंका तो बाउंड्री पर जा गिरोगे, लेकिन अब नहीं, सीरियसली सीरियस गेम खेलूंगा, मुझसे ना टकराना। नीचे, हाथ नीचे, 3 सेकंड से ज्यादा हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं जानते? ये मस्काबाजी मेरे पास नहीं चलेगी, मेरा कोई आगे है ना पीछे, बड़े लोगों से काम नहीं, प्रमोशन की जरूरत नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, रोकने वाला मेरे सामने रुकेगा नहीं। मैंने पुलिस की पढ़ाई की है लेकिन हर तरह का सबक पढ़ाना अच्छी तरह जानता हूं, बुराई अगर मुझे कहीं भी नजर आ जाए तो करता संघ मित्र, मनुष्यों के खून से प्यास बुझाने वाले राक्षस, यकीन नहीं आता कि तू मंदिर को दान देगा। ये पानी नहीं, खून है, इस नल में खून आ रहा है, खून आ रहा है। माँ, तुम माँ हो या कोई खिलौना? ऐसा पौराणिक गाथा है कि तुम दुष्टों का नाश करने वाली हो, उस चक्रवर्ती का अंत तुमने क्यों नहीं किया? दुष्ट चक्रवर्ती के कर्म तुझे दिखाई नहीं देते, ये जानकर अनजान बनी, मुझे पागल बना दिया और उससे बड़ा आदमी क्यों बनाया? माँ, उस दुष्ट को तूने सजा भी नहीं दी, बोलो ऐसा क्यों किया? कैसी देवी हो तुम उसे सजा नहीं देने वाली ये मैं जान चुकी हूँ, पर तुम भी एक बात सुन लो, उसे मारकर उसके खून से तेरे चरण का अभिषेक करूंगी, तब तुझे मालूम चल जाएगा मेरा आवेश क्या है। ये जरूर होगा माँ, तू देखना, तेरी कसम खाती हूँ, जरूर होगा, जरूर होगा। जाने मन, आजा आजा। अरे पुजारी क्या कर रहा है पों पों? अरे पता नहीं यार, छोड़ चपाती। देखो अरे यार दुकान, अरे देखो अपन कहाँ जा रहे हैं? यूं कर रहे हो? अरे उल्लू के पट्टो, तुम मेरे सिग्नल को समझ नहीं पाए, तुम्हारी लाइट चालू थी उसको ऑफ करने के लिए मैं सिग्नल दे रहा था ये भी समझ नहीं पाए? दोनों के दोनों अकल के अंधे हैं। समझ गए समझ गए। चलो चलो। लाइट 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 निकल आ तू नहीं समझ। क्या कह रहे थे तुम? आपका हेड उस पंडित के बच्चे की तो शाम तक हो जाना चाहिए काम। ए, रुक जाओ, कौन हो तुम? तुम्हारा पति है? रोजा का पति, गांव के जमींदार के बेटे के भांजे की पत्नी की फूफी की भतीजी का लड़का हूँ। आपके स्कूल में पढ़ने वाली रोजा ना, उसके घर में काम करता हूँ मैं, बहुत अच्छा काम करता हूँ, अच्छा हो तो आजमा के देख लो। लगता है आपकी शादी नहीं हुई। मैं कमसिन हूं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? चुप, मैं हॉस्टल के वार्डन हूं। बाप रे, आप हॉस्टल की वार्डन है? आप कितनी अच्छी है, मुझसे इतनी अच्छी बातें करें। मुझ जैसे लड़कों से बात करना शायद आपको अच्छा लगता होगा। आपकी शादी हो गई है क्या? चुप, शादी तो दूर की बात, मुझे मर्दों से नफरत है, तू अपना काम बता। रोजा का कमरा किधर है? क्यों, ये सब क्या है? ये कटहल है, ये पपीता है और ये अचार का डब्बा। बेचारे रोजा को उल्टियाँ हो रही है ना, इसलिए सब लेकर आया हूँ। क्या पेट से? बाप रे, बताना नहीं चाहता था लेकिन गलती से बता दिया। बता तो दिया
लेकिन वार्डन जी ये बात किसी से आप मत बताना। इतना ही नहीं, इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो गया था, ये सब खिलाकर ठीक किया, ये बात भी आप किसी से बिल्कुल नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। खाली सरफ लाइए। ऐसा क्या? सेम डिटो। ये बात अगर हॉस्टल में पता चली तो बहुत बदनामी होगी, तो ये अंदर रख के वहीं से निकल जा। ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तभी तो मैं ऐसी हूँ। सेम डिटो। अरे बाप रे, यहाँ कोई भी नहीं है। आवाज कैसी? ये किसकी आवाज है? अपूर्वा, टॉवल ले जाना भूल गए, जरा अंदर दे दे। बाप रे, ये तो मेरी लॉलीपॉप है। क्या हुआ? टॉवल चाहिए, सुनाई दे रहा है? सुनाई दिया? सुनाई दिया? तुमने टॉवल लाने के लिए कहा, मैं टॉवल लेकर आऊंगी। और क्या क्या चाहिए बोलो। गंदी बात क्यों करती है अपूर्वा? अरे इसमें गंदी बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तेरी आवाज क्यों बदल गई? मुंह में पटाखा फूट गया था। पटाखा? अरे क्या बताऊं, मेरे गले में पटाखा फटने से गला फट गया। ये लो तुम्हारा टॉवल। अरे क्या हुई भाई, किसे नहाती हूँ, क्या साबुन है? मैं किससे नहाती हूँ मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अच्छी अच्छी। क्या बात है? के लिए? वो अरे क्या कर गया? अच्छी। पल्लो ढंग से उड़ो। अरे बचाओ। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। कौन हो तुम? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। वो है। कौन वो? वो ही। हाउ इज इट जी? सुपर। प्यारा कन्हैया। मेरा बेटा। सासु माँ। अरे अरे उठ जाओ। अरे मेरे पाँव तो छोड़ो। अरे उठ जाओ बेटी। तुम्हारा मेरे बेटे से कब से रिश्ता है? 3 महीने का रिश्ता है। 3 महीने का रिश्ता? अरे जरा साफ साफ तो बता। तुम्हारे बच्चे का बच्चा इस वक्त मेरी कोख में है। हाय दैया रे दैया, बच्चा तेरी कोख में बच्चा है, ये सच है क्या? आप कहें तो मैं आपके सर की कसम खा के कह दूं सासू जी, आपके वंश का वारिस मेरी कोख में पल रहा है। माँ जी कहिए, आप ना तो नहीं करेंगी ना हमारे रिश्ते के लिए? नहीं करूंगी। हाथ ले ले, तुझे देख के लगता है तू भले घर की है, पर तूने शादी से पहले मेरे बेटे कन्हैया के साथ अनर्थ कैसे कर लिया बेटी? मैं कहाँ गिरी, उसने तो मुझे पटा लिया। एक दिन इसी कमरे में। हाँ हाँ यही कमरा था, यही कमरा था। तो फिर मैं कहाँ गई थी? राशन की दुकान गई थी। तब उसने मेरा हाथ पकड़ कर जोर से अपने पास खींच कर मेरे गले को चूमा, मेरी कमर को नोचा और बाहों में भर लिया। अरे बाप रे बाप, मैं सब समझ गई। उसके बाद मैं पेट से हो गई, भाग के जाके शादी करने की सोची, लेकिन मन नहीं माना, इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने आ गई सासू माँ। अरे तो फिर से मेरे पैरों में क्यों गिर गई? चल उठ जा, मैं तेरी सासू माँ बनने के लिए तैयार हूँ। आपका आशीर्वाद मिल गया, सब मिल गया। वैसे पूजा का कमरा कहाँ है? भगवान का आशीर्वाद भी तो लेना है ना। इधर है, लक्ष्मी और देवी माँ का मंदिर है। कितनी चुलबुली, कितनी खूबसूरत है। पूजा में क्या मांगा बेटी? आपको सुंदर सा एक पोता हो जाए, बस यही मांगा। मैं चलती हूँ, अब पता चलेगा। आहा, ओहो। मेरी जा, मैं आऊं, मैं अंदर आऊं। आऊं? आऊं कहकर तू तो घर में घुसी चली आ रही है, कौन है तू? मैं उनके लिए आई हूँ, वो नहीं है क्या? कौन वो? किशन कन्हैया। मेरा कन्हैया? हाँ, अरे तू अपने ये नखरे छोड़कर असली बात बता, क्या है? तुम जो अंदर डालती हो ना, मैं भी वही डालती हूँ। वही अंदर की चीज यहाँ रह गई थी, लेने के लिए आई हूँ। मेरे घर में रह गई? हाँ, और नहीं तो क्या। ये क्या बकरी थी? मिल गया, मिल गया, जो रह गया था मिल गया। ये सब यहाँ कैसे आया? मेरे साथ आया। और तू यहाँ किसके साथ आई थी? कृष्णा के साथ आई थी। और मेरी नजरों से कैसे बची? तुम जब यहाँ रामायण पढ़ती हो ना, मैं चुपके से आ जाती हूँ, तुम यहाँ पूजा करती हो और हम वहाँ मजा करते हैं, क्या समझी? मैं चलती हूँ। हम आपके हैं कौन, वो किसका है? Hey, come here. ए, तू कौन है री? What? What? हिंदी में बोल।
हिंदी अंदर मेरी ब्रांड की बॉटल रह गई है, लेकर आओ। क्या मेरे घर में बॉटल है? हाँ लेकर आओ। क्या मैं? ओके मैं लेकर आती हूँ, वैसे भी ये घर में नया नहीं। ये यहाँ कैसे आई? ये मेरे साथ आई थी और मैं कृष्णा के साथ। तब मैं कहाँ थी? तुम जब बाजार गई थी ना, मैं यहाँ पर आई थी। बाप रे, तो क्या तेरे कोख में भी मेरे कन्हैया का बच्चा है? नो नो, प्रेग्नेंट ना हो ना मेरी पॉलिसी है। बाप रे बाप, आज की छोरी बाप रे। फन एंड फॉरगेट, आज करो और भूल जाओ। यू वांट इट? नहीं नहीं। क्या बात है माँ, भद्रकाली की तरह रास्ते में खड़ी हो, बोलो ना क्या बात है? रुक जा तू वहीं पे। तेरी सारी कहानी और नाटक जानती हूँ मैं। तू अच्छा है कहती रही तो सर पे चढ़ के बैठ गया। तुझे लड़कियाँ चाहिए क्या? ये क्या बोल रही हूँ माँ, ऐसी गंदी बातें तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी कसम खा के। अरे बकवास मत कर, मैंने सोचा कि पहले एक लड़की आई थी उसी को फिक्स कर लेते बहू के रूप में, पर तूने तो मेरे सपनों में पूरा पानी फेर दिया। कभी दारू वाली आती है, कभी कपड़े वाली आती है, तूने इस घर को बना के रखा है। हाँ तुझे लड़कियाँ चाहिए, ले ले। क्यों माँ, वो लड़की तुमसे मिली थी? हाँ बेटा, कहाँ, 3 महीने से पेट से है। बाप रे, वो लड़की हम दोनों को लॉलीपॉप खिला के चली गई। उस दिन उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए अब हम दोनों में झगड़ा करा के चली गई। अरे दैया रे दैया, ये मधुमती की बेटी मधुबाला को लॉलीपॉप खिला गई। मेरी माँ को जहाँ से मैं डाली उसकी दाल मेरे पास नहीं चलेगी। देखो मैं क्या करता हूँ, पहना कर लाऊंगा। साफ कह, मंगलसूत्र पहनाएगा। ये क्या कह दिया? हाँ बेटा, उसने मुझे सासू माँ कहा तो मुझे अच्छा लगा। अब उसी लड़की को जब तक तू बहू बनाकर इस घर में मेरे सामने नहीं लाएगा, तब तक मैं अपनी ये साड़ी नहीं बदलूंगी। ये मधुबाला का प्रण है। मुझे आशीर्वाद दो मेरी माते। शीघ्र जाओ और विजय होके आओ बेटा। हे रोजा, तूने तो कहा था तेरे मामा जी तुझे लेने के लिए आएंगे। आएंगे बाबा, वो मुझे रिसीव करने स्टेशन। तो तुम दोनों इतने क्लोज हो, तेरे कहने से तो लगता है कि बहुत हैंडसम हो। बहुत अच्छे दिखते हैं, एक बार देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। उनकी वो रंगत, वो लंबाई, वो चेहरा, क्या बताऊं? तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तू उसके पास जाना चाहती है, उसको बाहों में लेकर उसको जी भर के प्यार करना चाहती है। वो देखो वो आ गए। जी, क्या नमूना है? रिटर्न ट्रेन कब है? रोजा बेबी पलट क्यों रही हो? पीछे खड़ी सुंदरिया आपके कॉलेज की सहेली है क्या? बाप रे, चेहरा पलट के क्यों रखे? मुझे देख के शर्मा रही क्या? हेलो हेलो, वेलकम टू सीतापुर, आई एम रोजा मदर ब्रदर। अच्छा हनुमान सिंह, पिताजी घर पे नहीं है? भाईजान वो तो बाहर गए हुए हैं। 6 लॉरी गोबर आजमपुर भेजने के लिए, 4 लॉरी गोबर इच्छापुर भेजने के लिए हड़बड़ी में है, इसलिए आपको लेने के लिए मुझे भेजे हैं। ये क्या रोजा, तेरे डैडी तो मेयर है कहा था? मेवा क्यों नहीं खाते हैं? वो तो खूब खाते हैं, सारे शहर का मेवा वो तो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। ये गोबर का व्यापार तो साइड से चल रहा है। जो मन में आता है बोल देता है, गोबर का नहीं फर्टिलाइजर्स का बिजनेस है। वही तो है, लेकिन स्टाइल से इसे यही कहते हैं। सुनो बेबी, तुम्हारा सामान सब सामान मेरे ऊपर डाल दो और तुम लोग जाके कार में बैठ जाओ। हाँ रोजा, बीज बदल के आया है मुझे लगता है, अब भी जाके मजा चखाती हूँ। Hi, how is it? अरे वाह, ये क्या फैंसी ड्रेस है? What are you talking? अरे वाह, इंग्लिश झाड़ रहे हो, वेश के साथ साथ भाषा भी बदल दी क्या? मुझसे ये सब नहीं चलेगा। Shut up. नमस्ते एसपी साहब, क्या हुआ? ए हनुमान सिंह, ये कोई साहब नहीं, एक नंबर का धोखेबाज है। बकवास बंद करो, कौन है ये लड़की? सिटी मेयर सुरेंद्र जी की बेटी है ये सर। मेयर के लड़के है तो क्या हुआ, पुलिस के साथ ऐसा बिहेव क्या करे सर? लड़कियों को कॉलेज में पढ़ती है ना, इसलिए मर्दों को देखकर ये पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है, इसमें इसका कोई कुछ नहीं सर, अब तक इसकी यही तरक्की है। सर फाइल सीज हो गया सर। गुड, पहली बार है इसलिए माफ कर रहा हूँ, माइंड योर बिहेवियर, अगली बार तुमने ऐसा बर्ताव किया तो छोड़ूंगा नहीं। गो। फिर से लट्टू गिरा दिया। हाउ इज इट? चुप कर, क्या कहा तूने, मैं पागल हूँ?